नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा में 12वीं के बाद लगेगी कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने 12वीं कक्षा के बाद में कैरियर का चुनाव करने के लिए कैरियर काउंसलिंग योजना के तहत वर्कशॉप लगाने का निर्णय लिया है। यह जानकारी हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने मंगलवार को चंडीगढ़ में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा आयोजित स्कूल समिट कार्यक्रम के दौरान दी। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ प्रशासक वीपी सिंह बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। उन्होंने वर्तमान में डिजिटलाइजेशन के दौर को स्कूली बच्चों पर विशेष ध्यान देने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रत्येक माँ बाप अपने बच्चों से बातचीत करके या बातचीत करने के लिए कुछ समय अवश्य निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि सामाजिक संस्थाओं व मनोवैज्ञानिकों को भी बच्चों पर बढ़ते शिक्षा व करियर के दबाव को कम करने के तथा उनको तनाव मुक्त रहने के लिए आवश्यकता अनुसार उनकी काउंसलिंग करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वैसे तो भारत की शिक्षा पुरातन समय से ही विश्व में सम्माननीय रही है और शिक्षा संस्कार व संस्कृति पर हमारे देश का एक प्रकार से पेटेंट रहा है, फिर भी वर्तमान हरियाणा सरकार ने स्कूली शिक्षा का मानवीय मूल्यों में परिपूर्ण करने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया कि स्कूलों में जॉयफुल सेंटर डे प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। इसमें बच्चों को समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी समझाने के लिए उनके सांस्कृतिक मूल्य, लोक कला, विरासत तथा परंपराओं के बारे में जानकारी दी जाती है। शनिवार के दिन जो जॉयफुल बनाने के लिए कई गतिविधियां आयोजित की जाती है, उनके साथ ही लाइफ स्किल प्रोग्राम भी चलाया जाता है। आप देख रहे हैं पल पल की ये खास रिपोर्ट। हरियाणा में मेरी बात की प्रशंसा महामहिम राज्यपाल ने और कार्तिक भरतराम ने कहा कि जो हमारे अनुभवों को उन्होंने शेयर किया है। हरियाणा में शिक्षा विभाग में मौलिक रूप से पिछले 4 साल से हमारी सरकार ने नैतिक शिक्षा के ऊपर हो, गीता पाठ्यक्रम में हो, और जो स्कूल एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन में भी जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके ऊपर आने वाला ये समय है उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं और हरियाणा में एक परिवर्तन चालू हो गया है। देर इज ए कंपटीशन बिटवीन प्राइवेट एजुकेशन एंड गवर्नमेंट एजुकेशन। हम राजकीय विद्यालय में गरीब का बच्चा हमारे पास है और अब इस साल पंचकूला में जो हमारा राजकीय विद्यालय सार्थक है उसके एडमिशन की लाइन लगातार लंबी होती जा रही है और हम ऐसा एक विद्यालय पंचकूला में और भी खोलने जा रहे हैं। हमने हरियाणा में सभी ब्लॉक लेवल पर ये जो UKG LKG का एक जो सिस्टम है, हर ब्लॉक में अंग्रेजी माध्यम से और जो समय की मांग है हर ब्लॉक में 2 विद्यालय हम खोलने जा रहे हैं और लगभग 14,000 विद्यार्थी अब तक नए सत्र में प्राइवेट नामी ग्रामी स्कूलों से नाम कटा के राजकीय विद्यालय की तरफ आ रहे हैं। ये हमारी जो शिक्षा है और इस बार +2 में जो प्रथम स्थान पर आए वो हमारी पटेल नगर हिसार की लड़की हिना आई। और हमने हरियाणा में जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जो गरीब का बेटा बेटी है, जो अपनी हायर एजुकेशन में आर्थिक अभाव के कारण, और हमने एक 10 करोड़ रुपये का एक अमाउंट ऐसे गरीब बच्चों के लिए आरक्षित किया है और उनको आगे की पढ़ाई के लिए हम आर्थिक सहयोग देंगे।